लाफिंग काउ बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सर, एंड हमने बहुत ही ब्यूटीफुल परेड भी देखी एनर्जेटिक एंड ढोल के साथ में। तो आप बताइए कि हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस विद परेड? परेड बहुत ही एनर्जी भरी हुई थी, बहुत मज़ा आया, और ख़ास करके देख करके जैसे सारे बच्चे सब लोग इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ठीक है हम लोग तो ब्रांड से हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब बाकी लोग जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो बच्चे हैं, वो सब भी इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत बहुत मज़ा आया, आई थिंक बहुत अच्छा इवेंट किया है किजानिया ने लाफिंग काउ के साथ। लाफिंग काउ क्या ये कॉन्सेप्ट है, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, तो लाफिंग काउ एक चीज़ ब्रांड है, ये 100 साल पुराना है, 1921 में ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस के अंदर। और उस टाइम पे मतलब भी जो फिलॉसफी थी ब्रांड की वो ये था कि हम कैसे अच्छे प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक ले जा पाए। उस टाइम वर्ल्ड वॉर ख़त्म होकर हटी थी, तो मतलब सेफ न्यूट्रिशियस फूड बनाने के लिए, तो वहाँ पे चीज़ बना 100 साल पहले, और अब हम इस ब्रांड को इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो उसमें खास बात यह है कि सबसे पहले कुछ भी अगर कोई आप खाना चाहते हैं तो आपको उसमें स्वाद चाहिए, इफ़ इट्स नॉट टेस्टी आप नहीं खाएंगे। करेक्ट, पर हमारा फिलॉसफी है कि टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, और इसीलिए हम हर प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं कंट्री टू कंट्री, क्या देश टू देश, क्या ऐसी न्यूट्रिशन है, क्या ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो कम है। जैसे इंडिया के लिए हम विटामिन ए डालते हैं, उस हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट्स को बनाया है देख करके हर एक पॉपुलेशन को। और साथ ही साथ लाफिंग काउ में तीसरी चीज़ जो आपने देखा होगा है मज़ा और लाफ्टर, बिकॉज हंसी एक ऐसी चीज़ है जो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी। तो हम ये प्रमोट करते हैं कि मतलब एक बैलेंस डाइट हो और साथ ही साथ हंसते खेलते बचपन निकलना चाहिए। एंड हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस विद किड्जानिया? किड्जानिया बहुत ही पॉपुलर है, एंड आप किड्जानिया के साथ में एसोसिएट करें, सो हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस विद किड्जानिया? किड्जानिया के साथ जो पूरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा लगा। किड्जानिया बहुत पॉपुलर है, इट्स लाइक अक्रॉस आई थिंक 20 countries, लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट थीम पार्क चेन है। तो इसीलिए जब हमारे पास सवाल आते थे कि चीज़ कैसे बनाते हैं, तो उस कंज्यूमर को मालूम नहीं, हम दही तो बना लेंगे, पनीर बना लेंगे, लेकिन चीज़ कैसे बनती है, क्या है, तो यही मैसेज हम कंज्यूमर्स तक ले जाना चाहते थे। तो उस कारण से हमने कहा किसके साथ पार्टनर करें, तो किड्जानिया से बेटर इस मामले में और कोई नहीं। जहाँ पर बच्चे आते हैं, बच्चे अपने आप सीखेंगे कि चीज़ को कैसे बना सकते हैं, फिर जो बनाएंगे उसको साथ ले जा भी सकते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, और आई एम एक्चुअली ब्लोन अवे कि जो हमें रिस्पांस मिला है, जैसे ये फैक्ट्री तैयार हुई है जिसमें हम सिमुलेशन करते हैं पूरे प्रोडक्ट का, बहुत मज़ा आया। क्योंकि चीज़ की हिस्ट्री के बारे में आपने बताया, एंड आने वाले दिनों में क्या कुछ प्लानिंग और देखने को मिलेगी चीज़ लाफिंग काउ विद किड्जानिया, क्या कुछ प्लानिंग देखने को मिलेगी? तो अगर हम देखें भारत के अंदर चीज़ जो हम खाते हैं बहुत कम खाते हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादा मक्खन घी वगैरह ज़्यादा चलता है, लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी से पूछेंगे, किसी बच्चे से, किसी बड़े से, कि चीज़ के साथ कोई भी खाना टेस्टी है कि नहीं, तो आई डोंट थिंक आपको कोई ऐसा बोलेगा कि चीज़ डालने से ये टेस्टी नहीं है। हम मतलब चीज़ को डालने के बहाने ढूंढते हैं, पाव भाजी हो जाए या पिज्ज़ा हो जाए, किसी भी कोई भी प्रकार का खाना हो, तो चीज़ का एक फ्यूचर बड़ा अच्छा है। और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे कि आज की डेट में अगर हम चीज़ देखें तो 70-80 रुपये से नीचे कोई चीज़ नहीं थी मार्केट के अंदर। करें पर हमारा फिलॉसफी ये थी कि हर कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को ट्राई कर पाए, तो हमने कहा कि हम कैसा एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और हमने 10 रुपये में एक चीज़ लॉन्च किया, और उसके अंदर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि उसी के अंदर भी सेम न्यूट्रिशन है जो बाकी प्रोडक्ट के अंदर आती है। जैसे विटामिन, जैसे हम 5 न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, उसके अंदर भी विटामिन ए, B12, कैल्शियम, विटामिन डी है, और 15% जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, 7 से 9 उम्र के बच्चों की एज़ पर ICMR, वो भी हम पूरी करते हैं। तो हमारा आइडिया है कि कैसे हम और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आते रहें जो कंज्यूमर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए पौष्टिक भी हों और स्वादिष्ट भी हों। एंड यही एक जर्नी है हमारी, और उसके ऊपर हम चल रहे हैं, एंड प्लस उनको एक बैलेंस्ड हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते रहे। एंड लास्टली ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप फ्यूचर प्लान, एंड स्पेशली चीज़ जो है मैंने सुना है कि बच्चों पर बहुत ही फोकस कर रहा है, तो कुछ किड्स को, ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले शीतल, हम जो है हम
मदर का अलाय है, मतलब फैमिली का अलाय है कि मतलब वो कैसे एक पौष्टिक और न्यूट्रिशियस टेस्टी खाना बना सकते हैं, वो हम पार्टनर करना चाहते हैं उनके साथ। बिकॉज जल्दी से अगर आपको कुछ बनाना है, जैसे सैंडविच बनाना है, तो चीज़ के साथ आप जल्दी बना सकते हो। तो उस हिसाब से जो हम सारे प्रोडक्ट हैं वो उस हिसाब से हैं कि स्नैकिंग मील्स के लिए कि जल्दी से कुछ तैयार हो जाए और पौष्टिक भी हो, वो हम कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बैलेंस्ड डाइट और वैरायटी बहुत ज़रूरी है, उसी एनीथिंग का ओवरडोज इज़ नॉट गुड। और ये एक मैसेज रहेगा कि कैसे हम एक बैलेंस्ड डाइट ला के आते रहें फॉर द एंटायर फैमिली, जो कि न्यूट्रिशियस भी हो, एंड देन एवरीथिंग हम करें लाफ्टर के साथ। सुपर, एंड कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सुपर, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। किड्ज़ानिया के साथ में एसोसिएशन हुआ है लाफिंग काउ चीज़, सो टेल अस की कैसा रहा एक्सपीरियंस विद किड्ज़ानिया एंड विद द लाफिंग काउ। हाय, वी आर रियली एक्साइटेड, हमें बहुत खुशी है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है इंडिया की फर्स्ट लाफिंग काउ चीज़ फैक्ट्री एक्सपीरियंस क्रिएट करने का। The idea was to, you know, how do we open up horizons for children today, where they get to explore new professions, where they get to explore new brands, where they get to explore what goes into making their food that they consume today. And no other better partner than the Laughing Cow Cheese. It's the most renowned cheese globally, history of about 150 years. There's a lot of nutrition packed into the cheese, and the whole idea was how do we create a really beautiful story for the consumers of Kidzania who get to know what goes behind into making this cheese today. And that's where the Laughing Cow Cheese Factory idea came alive. It's a beautiful experience. I urge everyone to come and experience this factory and understand the nuances of what goes into making this really yummy, tasty, creamy cheese today. And especially Kidzania ki main agar baat karun, so India mein Kidzania bahut hi day by day popular hote ja raha hai. Mujhe yaad hai ki Shahrukh Khan ne launch kiya tha yahan pe, yahi par. So aur kya kuch future plan hone wala hai, aur kya kya Sure. So there's a lot of exciting stuff which has happened in the last 4 months in Kidzania. We've got new experiences from banking partner such as IDFC First Bank, with partnership with Sony A for a really unique pet rescue agency that just opened up last month. We've also got Top Scholars on board. Again, we've created a very unique, first of its kind, digital experience where we've integrated AI, and kids get to learn about becoming a marine researcher, and thus integrating sustainability into it, teaching kids and families how they need to take care of the marine life and the environment that they're around. So the pet rescue agency, kids get to learn about being compassionate towards pets and animals. And through IDFC, they get to learn about, what goes into making a bank today, what are the financial nuances, financial literacy, the basics of finance is what they get to learn. Having said that, we also have something really exciting coming up in the next 3 months, and we'll talk about it once we launch those experiences. But there's a lot of fun, there's a lot of excitement happening in Kidzania. Thank you so much. Thank you so much for coming.